नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। मिर्जापुर वार्ड नंबर 15 में रविवार की दोपहर करीब 4 बजे के लगभग बच्चों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के परिवार के सदस्यों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर मारपीट करते हुए एक युवक को गोली मार दी और महिला पर उल्टी तलवार से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजीव गांधी अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते गोली लगने से घायल हुए इमरान को डॉक्टर ने विदिशा रेफर कर दिया। गंज वासौदा से यह रिपोर्ट। गाड़ी बक रहे थे, चाल रही है सर, मेन दीवार में नट आया हुई गाड़ी, मतलब अच्छा नहीं लगा सर, मेन गाड़ी बक लिया गाड़ी तो चला गया सर, नट आया चला गया, वहाँ से आया तो हमारे गेटों में लात मारी, उसने गेटों में लात मारी तो हमने कर के आया तो हमारे तलवार मार, इमरान बाथरूम में नहा रहा था, इमरान जो कपड़े भी नहीं पहने ना बने आते थे ऐसे ही, इतने कल क्या उसके पेट में गोली मार दी और पीछे तलवार मार। एक परिवार के सदस्य को गोली लगी, जब तक पुलिस पहुंची डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया विदिशा, तो वहाँ जो लेडी भर्ती है शर्मिला जी, उनकी तरफ से एफआईआर की कार्रवाई कर दी गई। मेवात क्षेत्र के दो छात्रों का आईआईटी में चयन होने पर रविवार को कामा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर बैंड बाजों के साथ स्वागत जुलूस निकाला गया। इस दौरान बाजार में दोनों छात्रों का दुकानदारों ने जगह जगह स्वागत किया। आमिर खान की यह रिपोर्ट। मदरसा जाम ए अनवर में प्रवेश पाने के लिए बरेली मंडल के कोने कोने से छात्र यहां पहुंचे। प्रवेश पाने के लिए करीब 250 छात्र परीक्षा में बैठे। मदरसा जामे अनवर पीलीभीत में शुरू हुई, जबकि 15 जून को सबसे बड़ी कक्षा दौर ए हदीस के लिए प्रवेश परीक्षा हुई। इसमें 250 से ज़्यादा छात्रों ने टेस्ट दिया। इनके अलावा छोटे छोटे मदरसों में भी दाखिला प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बड़ी संख्या में छात्र मदरसा जाम ए अनवर पहुंचने के चलते बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो इस मदरसे के जो मुदीर आला हैं, जो हमारे इस खानका के मुरी से आला हैं, जो गद्दी नशीब भी हैं और इस मदरसे के जो संस्थापक हैं सूफी सैयद अहमद मियाँ साहब, उनका नाम है, और उन्होंने ही ये अपने वालिद मोहतरम के जो एक ख्वाब की ताबीर थी, उस ख्वाब की ताबीर को पूरा करा। उनके वालिद मोहतरम जब सन 76 में दुनिया से परवास कर रहे थे, ज़ाहिराना अंदाज में दुनिया से जब वो रुखसत हो रहे थे, तो उन्होंने ख्वाब देखी थी। वो ख्वाब बहुत प्यारी ख्वाब थी। उन्होंने ख्वाब में देखा कि तलबा जो हैं कुरान करीम की तलावत, उनके चारों तरफ मशरक मगरब जुनूब और शुमाल, उनके कानों में ये आवाज़ें आ रही कुरान करीम की तलावत की। तो यकुम फरवरी 1976 में 29 मुहर्रम अल हराम में हकीम सूफी सैयद अनवर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से ज़हरा में परवाज़ हो गया, विसाल फरमा गए। उनके विसाल से कबल ये क्योंकि जब उन्होंने ख्वाब देखी थी कि मेरे चारों तरफ बाद नमाज फजर से ता देर रात तक जो है वो आवाज़ आ रही है कुरान करीम की, तो ये ख्वाब उन्होंने देखी। तो ये ख्वाब उन्होंने अपने लख्त जिगर, अपने नूर नज़र सूफी सैयद अहमद मियाँ साहब को उन्होंने ये ख्वाब बताई। तो ये ख्वाब की ताबीर जो थी वो यही थी कि एक मदरसे जो था वो सन 80 के अंदर जो था कायम किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज फजर यहाँ कुरान करीम की आवाज़ें जो हैं रात के 11 बजे तक आती रहती हैं और ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। अब वजह क्या है, इन्नमा अमालुकुम बिलनियात, तुम्हारे नाम अमाल का इन्हिसार तुम्हारी नियतों पर है। मदरसे तो बहुत खुले हुए हैं शहर के अंदर, ज़िले के अंदर, मंडल के अंदर, लेकिन हमारी नियत जो है ख्वाब की जो ताबीर है, उस ख्वाब की ताबीर की नियत हमारी है कि कौम की खिदमत करना, और वो कुरान करीम जो हकीम सूफी सैयद अनवर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद सुन रहे हैं। अब वो ज़ाहिरा में तो अपने तुरबत के अंदर, अपने मदार अक़दस के अंदर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो कुरान करीम की आवाज़ें ज़ाहिरा में और बातिन में वो आज भी सुन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मदरसा है कि जहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासीय और मध्य व राति भोजन वगैरह निःशुल्क दिया जाता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत शानदार इंतज़ाम है। लोग आते हैं और लोग चाहते हैं कि मदरसे जामे अनवर में एक बार हमारे बच्चे का किसी भी न किसी सूरत से दाखिला हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हमें नाज है ख्वाब की ताबीर को पूरा करने में। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ कामवन द्वारा तमोलिया परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नाक कान गला मेडिकल निशुल्क जांच शिविर का शनिवार को कामा कस्बे के बस स्टैंड के समीप स्थित शिव शक्ति भवन में आयोजन कर रोगियों की जांच के मौके पर ही रोगियों को निशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया।
8 रोगियों को ऑपरेशन हेतु जयपुर भी रेफर किया गया। आमिर खान की यह रिपोर्ट कामा से। गांव-गांव में घर में उपयोग होने वाले लोहे के सामान को बेचने के साथ साथ पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए जंडेल लोह पीटा का आज शव मिला है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जंडेला लोह पीटा जोरा रोड स्थित कॉलेज के बाहर झोंपड़ी में निवास करता था। यह 3 दिन पूर्व थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव में गया था, लेकिन 3 दिन से वापस नहीं आया। पुलिस को आज सूचना मिली कि सांटा गांव के पास अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान जंडेल लोहपीटा के रूप में होने से परिजनों को सूचित किया। पीएम रिपोर्ट के बाद ही यह खुलासा हो सकेगा कि जंडेल की मौत कैसे हुई। जरा खुद के कहने वाले हैं कि जो कि बैलों की खरीदी बेची का काम करते हैं, सोमवार को निकली थी अपने घर से, उसके बाद वो लौटे नहीं थे। और उसके बाद आज उनकी मुगावली के पास से उनकी बॉडी मिली है, तो पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसमें जो भी आएगा उसको हम सरकार। जिले भर में प्री मानसून की वर्षा ने नगरीय निकाय पोल खोल कर रख दी। कई तहसील मुख्यालय के प्रमुख बाजारों में जल भराव हो गया। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वर्षा निरंतर 2 से 4 दिन तक होती रही तो निश्चित ही कृषि भूमि में इससे पानी का लाभ होगा। पानी गिरना बंद होने से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाएगी, इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो मौसम काफ़ी गर्म चल रहा था, करीब 47-48 तक गया है मेरा तापमान, और अभी ये बारिश हुई है, इससे जो कुछ जो डाउन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा तापमान। साथ ही साथ ये वर्षा अभी तो कुछ नहीं, थोड़ी सी बूंदें पड़ी है। अगर ऐसी 4-6 दिन लगातार बरसता रहेगा तो ये काम का रहे, किसान इसमें जो बोली वो नहीं कर सकता अपना। और अगर जो है नहीं बरसता है तो बोली नहीं करे अभी, अगर 5-6 दिन ऐसी बरस जाए तो बोली कर सकता, वो इलाक हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा तो तापमान बराबर जो घटता जाएगा, वो काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। अभी परेशान थे, वो परेशानी सारी दूर हो जाएगी। अगर धूप खिलती है तो इसका कोई असर नहीं आएगा, ये पानी उड़ जाएगा, उमस बढ़ेगी, फिर गर्मी थोड़ा और बढ़ जाएगी। तापमान जरूर कम रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से क्या उमस बढ़ जाती है, तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।